रामचंद्र जी जब पिंडदान दे रहे थे तो वो आपकी जमीन से निकले, ये शिवलिंग अपने आप निकला? हाँ, अपने से आप निकले। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको रामशिला पहाड़ पे ले चल रहा हूँ और भगवान शिव का प्राचीन मंदिर का भी दर्शन कराऊंगा, तो आज बने रहिएगा। आज मैं आपको रहस्य मन पर्वत पे ले चल रहा हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुश मिलती है। दोस्तों ये कुंड जो है राम कुंड है, भगवान श्री राम ने इस कुंड में स्नान कर रामशिला पहाड़ पर जाकर पिंड दान किए थे। चलिए मैं आपको रामशिला पहाड़ पे ले चलता हूँ। बाबा तभी ये मंदिर के बारे में अपने कुछ बता देते हैं। ये अष्टपदी शिला है, यह अष्टपदी शिला है, रामेश्वरम शिव है। ये पूरे भारतवर्ष में तीन जगह में, एक गया जी में है रामशिला मंदिर में, और दूसरा है जम्मू में है रघुनाथ मंदिर में, तीसरा है रामेश्वरम में, तीन जगह में है। और इस शिवलिंग के भगवान राम स्थापित कर रहे थे? हाँ, राम के समय का ही उसी समय। प्राचीन शिवलिंग है? प्राचीन शिवलिंग। और अस्फटिक शिवलिंग है, ये प्राचीन शिवलिंग है जो किसी ने स्थापित नहीं किया, भगवान श्री राम ने स्थापित किया। उसके बाद ऊपरे गए थे राम जी? हाँ, राम जी ऊपरे गए थे। हाँ। भगवान श्री रामचंद्र जी माता पिता के नाम से पिंडदान करने के लिए ऊपर में रामशिला पर्वत पर पिंडदान दिए। एक सरोवर देख रहे हैं नीचे तालाब, और रामकुंड बोलते हैं, रामकुंड सरोवर है। उसमें स्नान किए, तर्पण किए, पिंडदान। यहाँ पे भगवान शिव जी कहीं खाली शिवलिंग है कि और देवी देवता होते? और देवी देवता है। यहाँ राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, मुंगे पत्थर की गणपति महाराज है, अष्टपति का शिवलिंग है, राम जी के कन्हे है। दोस्तों भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी, यहाँ पे फोटो जैसे बाबा बता रहे हैं और लगा हुआ है कि फ़ोटो और कैमरा यूज़ नहीं करना है, लेकिन बाबा के अलाव से थोड़ा सा मैंने वीडियो लिया है। जय हो गणपति बाबा की जय। दोस्तों देख सकते हैं ये एस्पेटिक का शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ का, श्री राम ने इसे स्थापना किया था, बहुत खूबसूरत शिवलिंग है। दोस्तों रोज सेवा कर रहा चाची, भोले बाबा कृपा बने थी, टेंशन ना ले, भोले बाबा कृपा बनाएंगे। दोस्तों ये मंदिर जो है प्राचीन मंदिर है भगवान शिव का, कहा गया है कि राम श्री राम ने ही इसका स्थापना किया था। ऊपर जाए तो इसे होगा,
ये देखिए दोस्तों, ये है दरबार। यहीं से हम लोग रामशिला पहाड़ पे चलेंगे। ऊंचाई तो है दोस्तों, लेकिन चढ़ना भी है, चढ़ते नहीं। जय सिया राम, जय बजरंगबली। दोस्तों हम लोग रामशिला पहाड़ पर आ गए हैं, ऊपर चढ़ गए। प्रणाम बाबा। सनी थोड़ा सा आप बाबा यहाँ के बारे में लोगों को बता दीजिए। भगवान का चरण है रामचंद्र जी का, रामचंद्र जी का चरण है, ये चरण हुआ है, इसी का नाम पड़ा रामशिला। यहाँ रामचंद्र जी ने पिंडदान किए थे, राजा दशरथ जी का नाम था। अच्छा, तो ये भगवान का चरण है। अच्छा, और इस मंदिर में रामेश्वर महादेव, रामेश्वर महादेव, हाँ, इनका दो नाम है, एक नाम है पतालेश्वर महादेव। अच्छा, और दूसरा नाम है रामेश्वर महादेव। अच्छा, रामचंद्र जी जब पिंडदान दे रहे थे तो वो आपकी जमीन से निकले, ये सिवले अपने आप निकला। हाँ, अपने से आप निकले। हाँ। और यहाँ पर कोई नहीं था, जब भगवान जब पिंड देवे लगे तो साथ तो शंकर जी आप लोग भी निकले, तो इनको साथी थी। हाँ। महाराज हमने पिंडदान दे रहे हैं, हमारे पिताजी को आप साक्षी रहिए। इनकी मंत्र है राम रामो महाबाहो देवायंग मंत्र सांग श्री देवी स ममन संतु पापकम राम आये रामचंद्राय राम भद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताम दे नम आपो तम श्री देवी स दूती साम दे पाप नाथम। भगवान कह रहे हैं कि हमने जो पाप किया वो क्षमा कीजिए। पाप नाशम में देव मनोकाय कर जलम साक्षी में, भगवान साक्षी कर रहे हैं, साक्षी में संत ने देवा वर्मा विष्णु महेश्वर मया गया। भगवान कह रहे हैं कि हमारे पिताजी गुजर गए। मया गया समाचार जे पितृ कार्य जागरा तुम्हें वा भगवान, हे भगवान हमारे पितृ का साक्षी जी। मतलब यही रहस्य, और कुछ रहस्य है? और उस मंदिर में राम लक्ष्मण सीता माई का मंदिर है। अच्छा, हनुमान जी का मूर्ति जी जी बगल में, शिव जी का बगल। जय बाबा भोलेनाथ की जय। हे प्रभु कृपा करें, प्रभु ये महादेव हैं तो साक्षात मेला लगती है बहुत जोर शिवरात को। हाँ, और के बर्फ का सिंगार होता है, बर्फ का सिंगार। ओम धर्मात्मा लक्ष्मी मानता भगवान श्री राम का चरण।
दोस्तों रामशिला पहाड़ पर हैं और बाबा ने आपको अच्छा जानकारी दिया होगा। ये वेदियों में से एक वेदी ये भी है रामशिला पहाड़, जहाँ पे भगवान श्री राम खुद यहाँ पे पिंडदान किए थे। तो आप देख सकते हैं रामशिला पहाड़ से फल्गु नदी कितना अच्छा दिखता है। देखिए दोस्तों ये फल्गु नदी है। भगवान 14 वर्ष के वनवास में थे दोस्तों, यही रामशिला पहाड़ गया के रामशिला पहाड़ पर विश्राम स्थल बनाया था और यहीं पे ध्यान किए थे भगवान भोलेनाथ का, और भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ स्थापित हुए। दोस्तों ऐसे लोग को आप लोग मदद कीजिए, कुछ ना हो तो कुछ बिस्किट भी खिला दीजिए, ये आपके एक बिस्किट के इंतजार में रहते हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश किया अच्छा जानकारी देने के लिए आपको, भगवान शिव का प्राचीन मंदिर का दर्शन और रामशिला पहाड़ का दर्शन करवाया आपको। अगर अच्छा कुछ जानकारी मिला हो तो सहयोग कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।